किताब ही व्यक्ति के जीवन का आधार है और मुझे किताबों से प्यार है। जी हाँ, आज हमारे सर के जीवन का की ऐसी घड़ी आ गई है जिसमें सर की आज जीवनी लॉन्च होने जा रही है और उसके राइटर जो हैं, अब मैं उनको आमंत्रित करूंगी कि सांसारिक जगत में रहते हुए आध्यात्मिकता की चैतन्य मूर्ति सदैव दीपक की तरह प्रज्वलित श्री छाबरा सर की अभी तक की जीवन यात्रा, मूल्यों और विचारों को अपने भाषा कौशल से पुस्तक के रूप में जीवंत स्वरूप देने वाले आनंद आश्रम के ट्रबल शूटर कहे जाने वाले निस्वार्थ सेवा मूर्ति श्री प्रदीप सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ। अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और सर के साथ पुस्तक की यात्रा के बारे में हम सभी को अपने अनुभव साझा करें। आप सब ने ये देख के शायद सोचा होगा कि लेखक पूरी किताब पढ़ने वाला है क्या। मैंने देखा कि जय सर की एंट्री से जो चेतना का संचार हो गया, अभी तो हमें सोढ़ी सर को भी सुनना है। जय सर को बिल्कुल ठीक उनके टाइम पे हम बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने पेश करेंगे, चिंता मत कीजिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। लेकिन धमाकेदार बुक लॉन्चिंग जो सर की किताब का होने वाला है, उसका एक प्रिल्यूड जो मैंने सर के साथ जर्नी की बुक लिखने के दरमियान थोड़ी सी झलक मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, उसके बाद हम बुक लॉन्च करेंगे। यहां हर शख्स हादसे से डरता है, खिलौना है मिट्टी का फना होने से डरता है। मेरे दिल के कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की दुनिया देखकर बड़ा होने से डरता है। कोई ताली नहीं। कानपुर सिटी 1958 मिशन हॉस्पिटल में नर्स सिस्टर लॉरेंस अभी अभी जन्मे एक बच्चे को लेकर लेबर रूम से बाहर आ रही है। बहुत ही एक्साइटेड है और जोरों से बोलने लगती है कि लुक लुक, दिस चाइल्ड इज गोइंग टू बी वेरी लकी, इट इज अ रेयर चाइल्ड बर्थ। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि क्या है भाई, और सच में वो सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख के कि ये बच्चा एक यूनिक बच्चा है। सिस्टर कहती है लाखों में एक ऐसा बर्थ होता है। मैंने भी फिर इंटरनेट पे टहलते टहलते देखा कि हाँ, ये 80,000 या 1,00,000 में एक बच्चा इस तरह जन्म लेता है। जी हाँ, आपका गैस बिल्कुल सही है, वो बच्चा था श्री के एस छाबरा सर। अब आपके दिल में एक सवाल घूम रहा होगा कि भाई ये बताओ तो सही, पेपर नहीं फोड़ूंगा, क्या चाइल्ड बर्थ था, वो क्या था। वो जानने के लिए, अगर आपने उत्सुकता जगी है, वो जानने के लिए आपको पढ़नी होगी किताब इन लव विद ह्यूमैनिटी। ये है छाबरा सर की बायोग्राफी, उनका इंस्पिरेशनल जीवन, बहुत ही प्रेरणात्मक बातें, विषमता को वरदान में, एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल देने की कला सिखाती हुई लाइफ स्टोरी, करेज, डिटर्मिनेशन, आर्ट ऑफ रिस्किंग, ड्रीमिंग बिग, ईश्वर जी से झप्पी का रिश्ता, मानवता के प्रति अपार प्रेम और जीवन को हर स्वरूप में गले लगाने का जज्बा किस तरह हमारे भीतर खिल सकता है। अगर उस कला हम सीखना चाहते हैं तो आपको पढ़नी होगी किताब इन लव विद। वाह, कितना स्मार्ट ऑडियंस है सर आपका। आदरणीय गुरुजी ने इसकी फॉरवर्ड लिखी है, बहुत सुंदर भूमिका लिखी है। उसमें एक वर्ड मुझे बहुत भा गया और मैं इतना गदगद हो गया कि गुरुजी जैसे इतने बड़े, जो खुद इतने बड़े ऑथर हैं, उन्होंने एक शब्द इसके लिए लिखा, अनपुट डाउनेबल। ये किताब आप एक बार लेना पढ़ना शुरू करोगे तो उसको नीचे नहीं रख सकते, पूरी करके ही छोड़ोगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि अंग्रेजी में दूसरे के लिए जो लिखता है उसे घोस्ट राइटर कहते हैं। सर की नरेशंस मैंने ली, कोई 1.5-2 महीना हम मिले, रोज 1.5 घंटा हम बैठते थे और वो समय मेरे लिए एक जबरदस्त मेडिटेटिव मोमेंट्स का समय था। तो मैं अपने आप को घोस्ट राइटर नहीं लेकिन गॉड्स राइटर बताना चाहूंगा। गुजराती के फेमस शायर बरकत वीराणी बेफाम का एक बहुत ही सुंदर फेमस शेर है कि बेफाम तो एक केटलू था कि जब वो पढ़ू नहींतर जीवन नो मार्ग हतो घर थी ते कवर सुधी। बेफाम तो एक केटलू था कि जब वो पढ़ू नहीं तो जीवन नो मार्ग हतो मात्र घर थी ते कवर सुधी।
सर ने भी अपने जीवन में बहुत ही स्ट्रगल्स के दिन देखे हैं। 53 इयर्स की एज में उन्होंने अपना फ्लरिश्ड बिजनेस, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस छोड़ के क्यों सेवा का रास्ता पकड़ लिया और वहां पर सर्विस टू ह्यूमैनिटी में ऊंचाइयों पर ऊंचाइयां क्यों कैसे छूते रहे, वो इनको एक वरदान की तरह जैसे प्राप्त हो गया है। पर दोस्तों, वरदान ऐसे ही नहीं मिलते। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वरदान उन सैकड़ों हाथों का असर है जो इनके लिए दुआओं में रोज उठते होंगे। थैंक यू। मेरा और सर का रिश्ता कुछ ऐसे शुरू हुआ कि उसने इस अंदाज में मुझे महफिल में देखा कि इंतकामन मुझे उसके दिल में घर बनाना पड़ा, बदला लेने के लिए मुझे उनके दिल में घर बनाना पड़ा। एक बुक लॉन्च के समय ही हम पहली बार मिले। हेतल स्वामी बरोड़ा की कवित्री है, शायद यहाँ आई होंगी, उनकी बुक लॉन्च में हम मिले और लव एट फर्स्ट राइट हो गया। दूसरे ही दिन से मैं सेवा में लग गया और सर ने नक्की किया कि भाई तू जब भी मैं जीवनी लिखूंगा तो तू ही लिखेगा, ये मेरा सौभाग्य है। लास्ट जुलाई में उनको पैर में तकलीफ हुई, मुझे फोन आया तीसरे ही दिन। ये बड़ी उपद्रवी आत्मा है, ये सर ऐसे बैठने वालों में से नहीं है। डॉक्टर ने मना किया था, 3 महीने का उनको घर पे रहने के लिए कहा गया था। मैं समझ गया फोन आया, तो मैंने कहा सर क्या किताब की बात कर रहे हो? अरे यार तो समझ गया, चल। मैंने कहा आज से ही शुरू हो जाते हैं। उसी दिन से हम लोग शुरू हो गए, कोई 1.5 महीना ये नरेशंस चले। उनकी लाइफ स्टोरी धीरे धीरे फिर पूरी हुई। तुषार नाथानी हमारे बहुत ही सुंदर ग्राफिक डिजाइनर है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत किताब बनाई है, सजाई है, आप लोग उसे देखेंगे तो बहुत यू लव इट। और तुषार आज यहाँ नहीं आ पाए, उसका हमें अफसोस है, वी मिस हिम। ये बुक की प्रिंटिंग जो हुई है इंटरनेशनल लेवल की हुई है और ये डोनेशन एडिशन अभी पब्लिश हुई है, उसकी प्राइस पे मत जाइएगा। जैसे गुरुजी ने कहा कि अमूल्य है, और अमूल वर्ड भी सर आया है अमूल्य से, ये डिराइव हुआ है इनवैल्यूएबल, तो मुझे लगता है ये किताब भी इनवैल्यूएबल होने वाली है। और शायद उसके ऊपर अमूल का थप्पा लग गया कि स्पॉन्सर्ड बाय अमूल, तो और भी अमूल्य हो जाएगी। और अंत में, ज्यादा समय नहीं लूंगा, अंत में मुझे मुझ पर इतनी श्रद्धा रखने के लिए छाबरा सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और एज ए राइटर ये मेरी भी डेब्यू किताब है, तो आप सभी के आशीर्वाद चाहूंगा। और आखिर में इतना ही कहूंगा कि बस मैं इतना चाहता हूं कि आपको अगर लगे कि एक सेवा सुगंध से भरी जिंदगी की वकालत मैं ठीक से कर पाया हूं, तब सचमुच मुझे धन्य लगेंगे शब्दों के देवताओं ने मुझे दिए हुए वरदान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके लिए खूब सुंदर सा जोरदार सरप्राइज है। श्री यक्ष ठक्कर और अमृता जी से निवेदन है कि प्लीज वो उस बिग सरप्राइज को लेकर आए मंच पर। दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। धरती के लिए एक जोत है जागी।
Rajesh, we were there with you today. A huge congratulations to Anand Ashram on its 11th Foundation Day. And we are so proud of you for your first book. You have been a great inspiration to us all our lives, and we know that you are going to be an even greater inspiration to everyone around through your book. We wish we were there with you today. Congratulations, Sir Ji. We are really missing you, and I'm really looking forward to read this book. As she said, it's a real inspiration to be associated with you, and I really look forward to read this book. Congratulations,